सर जो महाराष्ट्र की बहुत बड़ी शख्सियत हैं, जो मुस्लिम कौम गुजरे हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले, उनके नाम से जो योजना चल रही है, तो एक बड़ा अच्छा कदम उठाया आप लोगों ने इस अवसर पर कि उन जो योजना के जो कार्ड बनाया जा रहा है लोगों को, ताकि उनका इलाज मुफ्त में हो सके। क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं और इनको ये कार्ड जो बनाकर दे रहे हैं कि भी हॉस्पिटल के खर्चे बहुत भारी पड़ते हैं लोगों को, हम जैसे मिडिल क्लास है या गरीब लोग हैं, तो उनके लिए ये हम सुविधा करके दे रहे हैं। खास तौर से लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के बाद खास करके हमने ये मुहिम निकाली। काफ़ी जगह हम ये कर रहे हैं, हर 15 दिन में, एक एक हफ्ते में। जो महात्मा ज्योतिबा फुले कार्ड है, जैसे राजीव गांधी कार्ड होता था, तो उस हिसाब से आप हॉस्पिटल में अगर एडमिट होते हैं या कोई बड़ा खर्चा है आपको, तो इसमें आपको काफ़ी राहत मिल जाती है। 25-30 हज़ार से लेकर 5 लाख तक की इसमें बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ये फ्री आपका इलाज हो जाता है, कोई ऑपरेशन है। राजीव गांधी कार्ड और महात्मा, अच्छा, ये राजीव गांधी कार्ड जो निकला था पहले, अब वो राजीव गांधी कार्ड बंद हो गया, उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले का कार्ड निकला है, उनके बिहाफ पे ये कार्ड निकला है। ये नेशनल लेवल पे है और ये लाइफ टाइम अवेलेबल है, इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। राजीव गांधी कार्ड में कुछ लिमिट्स? जी हाँ, इसमें कोई ये नहीं है, अब ये लाइफ टाइम के लिए है आपके लिए। तो आपका कोई भी इलाज है, कोई भी ऑपरेशन है, इसमें हॉस्पिटल्स आपको दर्ज किए गए हैं, 70% गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और 30% इसमें आपको प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो इसमें कार्ड में हॉस्पिटल भी दिखाया गया है, मैं आपको एक सैंपल दिखाती हूँ कार्ड का। ये ऐसे कार्ड आएगा और इस पर आपका राशन कार्ड का डिटेल्स आएगा और आपके आधार कार्ड का डिटेल्स आएगा। ये आगे पीछे है, पीछे हॉस्पिटल्स के नाम लिखे गए हैं, तो लोगों को काफ़ी मतलब इजी हो जाएगा, इसलिए हमने नाम लिखे। इसके अलावा और भी काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि सारे हॉस्पिटल एक कार्ड पे नहीं आ सकते हैं इसके लिए, लेकिन आप जहाँ पे भी एडमिट होते हैं तो प्लीज़ पहले आप डिपॉजिट मत कीजिए, पैसे मत भरिए, आप ये कार्ड बताइए उनको कि ये प्रॉब्लम हुआ है, ये कार्ड है हमारे पास, और ओरिजिनल राशन कार्ड और ओरिजिनल आधार कार्ड आप लेके जाइए मरीज के साथ में, तो आपको वहाँ पे इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। यहाँ पर अब तक कितने लोगों ने इसका फायदा उठाया सुबह से? यहाँ पे सुबह से देखो, हमने करीब करीब 200 से 250 फॉर्म अभी तक हमने जमा किए हैं, और अभी हम यहाँ पे 4 बजे तक बैठे हैं और अभी बज रहे हैं 2:45, तो अभी हमारे पास काफी टाइम है 4 बजे तक का, तो हम वेट कर रहे हैं कि जितने भी लोग आए, हमारा टारगेट है 500 से 600 फॉर्म हम जमा करें, इंशाल्लाह तब तक वो हो जाए।